और जब नीति आयोग कहता है कि 52.7% बिहार गरीब है तो फिर विशेष राज क्यों नहीं? जब 93 लाख मजदूर पलायन करता है, दूध की उत्पादन हिंदुस्तान में दुनिया में डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा बिहार था और आज हम सुन पे जा चुके हैं, तब चीनी इंडिया में सबसे ज्यादा हम उत्पादन करते थे, हम सुन पे जा चुके हैं, तब सब्जी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हम उत्पादन करते थे, हम सुन पे जा चुके हैं, तब और फल दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन था और आज मात्र 13.1% फल की पैदाइश हम कर पाते हैं, तब धान वर्ल्ड को हम देते थे और आज हमारे पास 38% धान की खेती हम इस बार नहीं की, अगले बार हम लगभग 38% खेती धान की नहीं कर पाए, सिर्फ खाद के सब चलते हमें इस बार मात्र अब 10 दिन बचा है धान की गेहूं की बुनाई का। क्या कारण? जब हम बार बार आपसे 31 मार्च तक धान की खरीदारी का डिमांड हमने किया है कि बाढ़ के चलते आप हमारी 31 तारीख तक धान की खरीदारी करिए, बढ़ाइए, आप नहीं बढ़ा रहे, क्यों? अभी तक 62 लाख टन की जरूरत है मुझे खाद की और 21 लाख टन भी हमें खाद आवंटित केंद्र नहीं करता है। कब तक बिहार से दुश्मनी आप करेंगे? मक्का की बुनाई शुरू हो गई, हम 1 कट्ठा मक्का नहीं बुन सके हैं अभी तक। कहता हूं कि नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस नीतीश कुमार जी साथ आए, बीजेपी मार देगी नीतीश जी। जरूरत है कि विशेष राज के सवाल पर जो हमारा पैसा केंद्र नहीं देता है उसके सवाल पे, और नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है इसमें 16 सालों में और 14 साल केंद्र में सरकार रहने के बाद बिहार की दुर्गति करने में भूमिका रही, बिहार के और बिहारियों के सवाल पर एक होकर के हमें चुनाव में जाना चाहिए या एक नई सरकार की गठन होनी चाहिए। मैं अभी माफियाओं के घर में छापामारी क्यों नहीं, और पोठिया मुंगड़ी का के यहां छापामारी, अब कतला रोहू की यहां क्यों नहीं, सेक्रेटरी की यहां क्यों नहीं, चीफ सेक्रेटरी क्या, होम सेक्रेटरी की यहां क्यों नहीं, बड़ी मछली कहां गायब हो गई? पूछ दिखाते हैं, लगभग पदाधिकारियों ने लूटा है, बोले तो मांझी जी आप 6,32,000 शराब वाले गरीब आदमी को जेल भेज दिए, कौन नहीं पीता है शराब, ड्रग्स, स्मैक, फॉरेक्स, हु लाइटर, कौन नहीं पीता है, कौन कौन, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, पत्रकार, कौन? चारों व्यवस्था में 95% लोग दारू पीते हैं, तो फिर कॉमन आदमी को सिर्फ जिंदगी तबाह क्यों की जा रही है? सवाल यहां, हाईकोर्ट ने कहा कि माफियाओं से क्यों नहीं वसूला जा रहा है, सही कहा, माफिया क्यों नहीं पकड़ाते हैं, सही कहा, कोई नेता क्यों नहीं पकड़ाता है, क्या सारे नेताओं का पैसा शराब माफिया में नहीं लगा हुआ है? कौन नेता है जिसका पैसा शराब में इन्वॉल्व नहीं है, जमीन में इन्वॉल्व नहीं है, बालू में इन्वॉल्व नहीं है? मैं तो शराब में जितने लोग इन्वॉल्व है सबका मैं लिस्ट जारी किया हूं, वाले रूडी या कोई कि बिहार को जरूरत नहीं है, नीति नहीं बनी है। तो मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी 15 साल सीएम रहे गुजरात में, 8 साल पीएम रहने के बावजूद गुजरात 18.5%
मध्य प्रदेश 19.2% और उत्तर प्रदेश 38.9%। जो बीजेपी और एनडीए की सरकार जहां नहीं है, केरल 0.79, दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब, कम गरीबी। पंजाब कम गरीबी, गोवा कम गरीबी। जहां बीजेपी की सरकार है आज तक, वही प्रदेश दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब क्यों? और उसके बाद आप बिहार को गाली देंगे? 16 साल डबल इंजन की सरकार के बाद हमने कहा नीतीश कुमार, कब तक आप बिचौली का खेल खेलिए? इस बिहार के साथ दो व्यक्ति ने खेलवाड़ किया। लालू यादव जी कहे थे कि मेरे लाश पर बिहार बटी। बीजेपी वाले ने क्या किया? झारखंड में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार का बंटवारा कर, और लालू यादव जी बिहार में मुख्यमंत्री रहने के लिए बिहार का बंटवारा कर। लेकिन जब लालू यादव जी किंग मेकर थे और गुजरात और देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाए थे, तो उस वक्त विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? जब आप 5 साल रेल मिनिस्टर थे तब क्यों नहीं? उस वक्त विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया? और जब नीतीश जी बीजेपी की सरकार 16 सालों से आपके साथ है, तो जाति जनगणना का सवाल होगा तब विरोध, विशेष राज तब विरोध, विशेष पैकेज तब विरोध, जीएसटी का पैसा तब विरोध, बाढ़ से मुक्ति तब विरोध, हेल्थ की बारी आएगी तब विरोध, शराब बंद की बारी आएगी तब विरोध। आखिर बीजेपी को सबसे ज्यादा बिहार ही क्यों नफरत करती है? से नफरत क्यों करता है? फर्स्ट, मुझे सबसे दुखद बात यह है कि बीजेपी को बिहार के 14 करोड़ लोग पसंद क्यों नहीं? जब भी बिहार के 14 करोड़ लोगों का सवाल खड़ा होता है, बीजेपी उसके दुश्मन बन जाते हैं। आपको नीतीश कुमार जी से बदला लेना है या नीतीश कुमार जी को आपको फिनिश करना है, आप करिए। नीतीश कुमार जी के चलते आप बिहार को कैसे अपमानित करिए? 7 सालों से आपने जीएसटी का पैसा नहीं दिया, 7 सालों से आप से बाढ़ के सवाल पर फड़क्का के लिए 1,00,000 बार हम लोगों ने सवाल खड़ा किया, नीतीश कुमार ने भी सवाल खड़ा किया, आपने एक पैसे नहीं दिए। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना के सवाल पर नीतीश कुमार आपसे बोलते रहे, आपने नहीं बनाया। बिहार का फैक्ट्री 2.3% पर चली गई। कई बार बजाते फैक्ट्री के निर्माण के लिए आपसे अलग से आपसे पैसा मांगा गया, आपने नहीं दिया। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 8 साल नरेंद्र मोदी, 8, 6, 14 साल और 16 साल आपकी डबल इंजन की सरकार। फिर 52.7% बिहार गरीबी, आजादी के बाद गरीब क्यों? दुनिया का सबसे सुन पर हेल्थ और एजुकेशन नीति आयोग के मुताबिक क्यों? 14 करोड़ में 7,32,00,000 लोग बिहार का गरीब क्यों? ऐसी ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।